भारत के कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपना पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार भोपाल आ रहे हैं। उनके आगमन को लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। सभी उनके स्वागत में जुट गए हैं। शिवराज सिंह चौहान के भव्य स्वागत की तैयारी में भी जोरों शोरों से हो रही है। शहर में जगह जगह भव्य मंच का भी निर्माण कराया जा रहा है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली से सुबह ही रवाना हो गए हैं। वह दोपहर 2:15 शताब्दी एक्सप्रेस से भोपाल स्टेशन पर पहुंचेंगे। यहां बीजेपी समर्थक और कार्यकर्ता उनका जोरों से स्वागत करेंगे और फिर मंत्री शताब्दी एक्सप्रेस की यात्रा के दौरान मुरैना, ग्वालियर और बीना स्टेशन पर स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ता चौहान का भव्य स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के किसानों के कल्याण की योजनाएं निरंतर 10 सालों से जारी है। उन्हीं कामों को आगे बढ़ाना है। मैं सौभाग्य जो मुझे किसान के कल्याण का और कृषि को आगे बढ़ाने का काम विश्वास करके प्रधानमंत्री जी ने दिया है। ग्रामीण विकास और खेती दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ग्रामीण विकास का काम भी प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को सौंपा है। तो मन में अब एक ही संकल्प है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विगत 10 सालों से जो काम चल रहे हैं उनको तेजी से आगे बढ़ाएं। किसान और खेती प्रधानमंत्री जी की भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार की प्राथमिकता है और इसलिए पहला फैसला अगर पीएम ने किया तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद तो वो फैसला था किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की राशि डालने का फैसला। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अपना पहला कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी 18 जून को काशी में कर रहे हैं, उसमें 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की राशि सीधे किसान के खातों में अंतरित की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल जी इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। किसानों से सीधा संवाद करने के लिए 50 अलग अलग स्थानों पर केंद्रीय मंत्री जा रहे हैं, मुख्यमंत्री भी जुड़ेंगे और लगभग 2.5 करोड़ लोगों से सीधे प्रधानमंत्री जी उनको संबोधित करेंगे, उनको प्रेरित करने का काम करेंगे। वैसे ही महिला सशक्तिकरण का काम हमारी जीवन का मिशन है। प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सशक्तिकरण में कोई कसर नहीं छोड़ी है और लखपति दीदी बनाना उनका सब संकल्प है, उस काम को भी पूरा करने का सौभाग्य मुझे मिला है। और मेरे जीवन का मिशन भी महिला सशक्तिकरण है, इन सब कामों को पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने पानी हो, धरती बचाने का अभियान हो, अब धरती बचाने के लिए प्राकृतिक खेती उनका मिशन है, इसको भी हम पूरा करेंगे। जल का संरक्षण और संवर्धन पर ड्राप मोर क्राप कई वर्षों से प्रधानमंत्री जी कहते रहे, इस काम में भी लगी है।